का आना हाय हाय, दिल का जाना हाय हाय, आया वो गया, जाने हो गया, दिल दिल परदेसी हो गया। तो दोस्तों, जिस तरह का एनिमेट वीडियो देखा आपने मोबाइल की स्क्रीन पर, वैसा ही एनिमेट वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसा एनिमेट वीडियो कैसे बनाएंगे वो हम आपको मोबाइल पर सिखाएंगे। तो दोस्तों, ना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। ना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आपको काइनमास्टर ओपन कर लेना है। तो ओपन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। इसके बाद हम मीडिया पर क्लिक करेंगे और इमेज पर क्लिक करेंगे और व्हाइट कलर को हम सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद हमें इसका साइज 20 सिलेक्ट कर देना है। इसको 20 सिलेक्ट करने के बाद हम आगे को सिलेक्ट करेंगे, एरो पर क्लिक करेंगे, लेयर पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे और एक PNG को हम सिलेक्ट करेंगे। तो हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे और ये वाली PNG हमने सिलेक्ट कर दी है और इसको भी हम फुल कर देंगे। तो इस लेयर के बराबर हम सिलेक्ट कर देंगे। तो ऐसे कर लेना। इसके बाद आगे को सिलेक्ट करेंगे और इसे बड़ा कर देना है। तो इतना बड़ा करने के बाद इसको हम इधर सेलेक्ट कर देंगे। तो ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और एरो पर फिर क्लिक करेंगे, लेयर पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे और एक PNG को फिर सेलेक्ट करेंगे। तो ये वाली PNG हमने सेलेक्ट कर दी है और इसको भी हम फुल कर देंगे। इसके बराबर ही हम सेलेक्ट कर देंगे इसको भी और आगे को सेलेक्ट करेंगे और इसे बड़ा कर देंगे और इसे हम फिर रोटेट कर देंगे। इतना रोटेट करने के बाद इसे और बड़ा कर लेंगे और इसको इधर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसा सेलेक्ट करने के बाद हम एरो पर फिर क्लिक करेंगे और लेयर पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे और एक PNG को फिर सेलेक्ट करेंगे। तो ये वाली PNG हमने सेलेक्ट कर दी है। अब हम इसको भी फुल कर देंगे। तो इसके बराबर सेलेक्ट कर देंगे। तो जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक को ओपन कर लेना है, वहीं से आपको डाउनलोड कर लेना है। और इसके बाद हम इसको भी बड़ा कर देंगे। तो इतना बड़ा करने के बाद इसे हम इधर सेलेक्ट कर देंगे। तो ऐसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब हम एरो पर क्लिक करेंगे और लेयर पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे। जो अभी हमने शॉर्ट वीडियो बनाया अब हम उसे सेलेक्ट करेंगे। तो इसे हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे और एक्टेड ऑडियो पर क्लिक कर देंगे। तो इसका ऑडियो निकल आएगा और वीडियो को हम डिलीट कर देंगे। तो ये हमने डिलीट कर दिया है। अब एक बार चला के देखेंगे कि कहाँ तक हमारे गाने के बढ़ा रहे, उसी हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इधर आ रहा है तो इधर को हम इसी पर फिर क्लिक करेंगे और कैंची पर क्लिक करेंगे और स्पीड पर क्लिक कर देंगे। ये कट हो गया। अब हम इसको आगे को सिलेक्ट कर लेंगे और लेयर पर जाएंगे और टेस्ट पर जाएंगे। अब जो हमारे गाने के बर्ड थे वो हम निकलेंगे। लिखने के बाद हम ओके पर फिर क्लिक कर देंगे। सिलेक्ट कर देना है, इतना बड़ा कर लेना है। और अब हम फॉन्ट पर क्लिक करेंगे और माई फॉन्ट पर क्लिक करेंगे और ये वाला फॉन्ट हम सिलेक्ट कर देंगे। राइट कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम इसको इधर सिलेक्ट कर देंगे। तो ऐसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब हम कलर पर क्लिक करेंगे और ब्लैक कलर को हम सिलेक्ट कर देंगे और इसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे और साइडों पर क्लिक करेंगे और इसे अनवेल कर देंगे और ब्लैक कलर को हम सिलेक्ट कर देंगे। तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। एरो पर क्लिक करेंगे, आउटलाइन पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसे हम +2 कर देना है और एरो पर फिर क्लिक करेंगे और इसके बाद इन एनिमेट पर क्लिक करेंगे और ऊपर स्क्रॉल करेंगे और लेटर वी लेटर को हम सिलेक्ट कर देंगे। तो ऐसे आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसको 1.5 पर सिलेक्ट कर देना है। तो सिलेक्ट हो जाएगा। एरो पर फिर क्लिक करेंगे और 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और इसे डुप्लीकेट करेंगे और जो हमारे और गाने के वर्ड थे उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो एडिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ अलग था तो मैं इसे कट कर देंगे। लिखने के बाद हम ओके पर फिर क्लिक कर देंगे। तो ये सिलेक्ट हो गया है और इसको हमें नीचे सिलेक्ट कर देंगे। इसको हम नीचे सिलेक्ट कर देंगे और इसे छोटा कर देंगे। तो ऐसे आपको छोटा कर लेना है इतना और इसे ऐसे सिलेक्ट कर देना है और इसके बाद हम इधर को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम ऐसे सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट हो गया। इसके बाद हम इसी पर फिर क्लिक करेंगे, 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट पर क्लिक कर देंगे। तो ये डुप्लीकेट हो गया। इसको हम उंगली के सहारे से इधर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसी पर फिर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे और इसे कट कर देंगे और हम लिख लेंगे जो हमारे गाने के वर्ड थे वो ही फिर हम लिख लेंगे। लिखने के बाद फिर हम ओके पर क्लिक करेंगे और इसे बीचा बीच में सेलेक्ट कर देंगे और इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे, 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे और इसे भी हम उंगली के सहारे से ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। इसी पर फिर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे और इसे कट कर देंगे। फिर ओके पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया। ऐसे ही हम
एक एक लेयर को डुप्लीकेट करते जाएंगे और जो गाने के बट आएंगे वो हम लिखते जाएंगे। इसे हमने ये डुप्लीकेट कर लिया, इसको भी हम इधर सेलेक्ट कर लेंगे, इसी पर फिर क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और इसे कट कर देंगे। जैसे ही आपके गाने के बट आते जाएं वैसे ही आपको लिखते जाना है। इतना लिखने के बाद फिर हम ओके पर क्लिक करेंगे, थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे और इसे डुप्लीकेट कर देंगे और इसको भी हम इधर फिर सेलेक्ट कर देंगे। तो उंगली के सहारे से आपको इधर सेलेक्ट कर देना है और इसी पर फिर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे और इसे कट कर देंगे। अब जो आते जाएं वैसे ही लिखते जाना है। लिखने के बाद हम फिर ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्ट होता जाएगा। ऐसे ही आपको एक एक लेयर को डुप्लीकेट करते जाना है। थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे और इसे इधर सेलेक्ट कर देंगे और एडिट पे क्लिक करेंगे और इसे कट कर देंगे। तो जैसे आपके गाने का बढ़ाते जाएं वैसे ही आपको लिखते जाना है। लिखने के बाद हम ओके पर फिर क्लिक करेंगे और इसे हम इतना सेलेक्ट करेंगे, जैसे थ्री लाइन पर फिर क्लिक करेंगे और इसे डुप्लीकेट कर लेंगे और इसके बाद हम इसको इधर को सिलेक्ट कर देंगे। तो ऐसे आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसे फुल कर देना। अब हम एडिट पर क्लिक करेंगे और ये कट कर देंगे और लिख लेंगे। फिर हम ओके पर फिर क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम इस पर फिर क्लिक करेंगे और थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे और इसे डुप्लीकेट कर देंगे। इसके बाद हम इसको उंगली के सहारे से इसे लास्ट में सिलेक्ट कर देंगे। इस पर फिर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे और इसे कट कर देंगे। लिखने के बाद ओके पर फिर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया है। तो दोस्तों ये हमारा एनिमेट वीडियो बन चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको एक एक लेयर डुप्लीकेट करके और सेलेक्ट करते जाना, आपके गाने के बढ़ाते जाएं वैसे ही आपको लिखते जाना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।